Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने सील कवर में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। बम की धमकी के बाद तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई तिरुवनंतपुरम जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी आज रात पोलैंड से कीव के लिए रवाना होंगे। कल यानी 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। हिंडनबर्ग मामले में आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। सेबी प्रमुख माथुरी बुच की एक्टिविटी पर जारी रिपोर्ट को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिनेता से नेता बने विजय थलापति आज अपनी नवगठित पार्टी का आधिकारिक तौर पर झंडा अनावरण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर विस्फोट पर शोक व्यक्त किया है। सीबीआई आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली अचुतम में हुए हादसे को लेकर आज सीएम चंद्रबाबू नायडू घटनास्थल का दौरा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। शंभू बॉर्डर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने 22 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। महाराष्ट्र में एसीपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीपी ने महिला शिक्षा अधिकारी को 2 लाख और ग्राम पंचायत कर्मचारी को 50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आईबीपीएस और एमपीएससी परीक्षाओं के एक ही दिन आयोजन से छात्रों में असंतोष है। पुणे में विरोध प्रदर्शन जारी है। शरद पवार सरकार से समाधान की मांग की है। बदलापुर यौन उत्पीड़न केस को लेकर लोगों में गुस्सा है। इस मुद्दे पर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो गई है। महाराष्ट्र के बदलापुर और अकोला के बाद मुंबई में एक युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद 13 साल की नाबालिग का रेप किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए बीजेपी के धैर्यशील पाटिल और एनसीपी के नितिन पाटिल ने नामांकन भरा। बीजेपी और एनसीपी की जीत निश्चित मानी जा रही है। महाराष्ट्र के अकोला में 6 छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रमोद सरदार के रूप में हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने घोषणा की है कि महाविकास आघाड़ी ने बदलापुर यौन शोषण मामले के खिलाफ 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। महाराष्ट्र में मौजूद हालात और चुनावी मौसम को देखते हुए केंद्र सरकार ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। श्रद्धा कपूर के स्त्री 2 ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म को फैंस पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव जैसे स्टार्स भी हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।